हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में सेविंग्स कैसे करनी है, क्योंकि जो मुझे लगता है मेरी स्टूडेंट लाइफ से मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस है कि गाइस जो ये चीज़ है ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर स्टूडेंट को समझनी चाहिए कि सेविंग्स करना उसके लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि गाइस हमारे ऊपर यहाँ पर किसी का बर्डन नहीं होता और ना कोई घर वाला होता और हम फ्री होते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। बट गाइज हमें ऐसे नहीं चलना, हमें सेविंग्स करनी है, हमें संभल के चलना है, बिकॉज गाइज हम यहाँ पे अपनी लाइफ बनाने आए हैं, ना कि इसको खराब करने। बड़ी अच्छी बात कही आप। सो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि आप सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। सो गाइज मेरे एक्सपीरियंस है, सबसे पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो तो सबसे पहले आपको सबसे देखनी चाहिए कि आपको चीप अकोमोडेशन कहाँ पे पड़ रही है। आप ऐसा नहीं है कि आप आए और आप सीधा ही सिटी में रहना शुरू कर दिया, नहीं। सो गाइस सबसे पहले आपको देखना है कि जो अकोमोडेशन सिटी से, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है ठीक है और आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो गाइस ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। रैदर देन आप सिटी में अपार्टमेंट लें या रूम लें, आप कहीं सबर्ब्स में रूम देख सकते हैं जो कि सिटी से ज़्यादा चीप होते हैं। अगर आप सबर्ब्स में रूम देखते हैं तो उनका रेंट होता है $500 to $600 पर मंथ, एंड अगर मैं बिल्स की ऐड करूँ तो $150 और ऐड कर लो ज़्यादा से ज़्यादा मंथली। बट गाइज अगर आप सिटी में अपना वन रूम अपार्टमेंट लेते हो तो वो अराउंड आपको पड़ेगा $1500-$1400 इंक्लूड, बिल्स उनके अलग होंगे। सो गाइज जो सिटी की वो है अकोमोडेशन है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। सो आप ट्राई करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सबर्ब्स में रहें और ट्रैवल करें, गाड़ी आप खुद चला लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एडिशनल ऑप्शन अच्छा है। सो गाइस जो दूसरी चीज़ है वो है कुकिंग। सो गाइस कुकिंग मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी बंदा ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना। तो गाइज़ अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हो ठीक है, और अगर आपने आना है या आप आ चुके हो, तो भाई कुकिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप फिर वही सोच लो कि $10-15 एक मील का आपका जाएगा ही जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आप अगर टोटल लगा लो 15, अगर 3 मील खाते हो ठीक है तो आपका अराउंड $50 लगा के चलो, ठीक है, आपका एक दिन का खर्चा है। और अगर हम महीने का लगाएं आपका बैठ जाएगा ये 1500, ठीक है। तो गाइज़ आपको ये चीज़ देखनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने एक्सपेंसिस कैसे करने हैं, ठीक है। तो अगर आप यही चीज़ अब आप घर पे बनाओगे तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे, सेव होंगे, ठीक है। रेदर देन आप बाहर स्पेंड करो, आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा थोड़ा बहुत खाना बनाओ। हाँ ठीक है, हफ्ते में एक आधी बार चलता है, बट हर रोज़ रोज़ अगर आप करोगे तो आपकी सेविंग्स बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है गाइस। जो तीसरी चीज़ है वो मैं कहूँगा कि हाँ, जो आपकी सैलरी है, सपोज़ करो कि आप $1000 कमाते हो ठीक है, और आपने अकाउंट खुलवा रखा है अपना कॉमनवेल्थ बैंक में और आपकी सैलरी उसी बैंक अकाउंट में आती है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, एक तो हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है जिससे हम रोज़ डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं, एक उसके अंदर और ऑप्शन होता है नेट बैंक सेवर का, तो आप वो उसी के अंदर ही खोल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो ट्राई करें कि एटलीस्ट आप उसके अंदर 25-30% जो भी आपकी इनकम है, अगर सपोज करो $1000 आप वीकली कमा रहे हो तो अराउंड $250-$300 आप सेपरेट रखो और ये सोचो कि मेरी सैलरी तो $700 है, $1000 नहीं है, ठीक है, जो $250-$300 है उसको बचाओ हर हफ्ते, ठीक है। जगह गाइस अब आप उसको बचाओगे तो एक दिन आपकी बहुत अच्छी सेविंग्स हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि आपको उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा धीरे धीरे, ठीक है। इंटरेस्ट होता है जो ऑस्ट्रेलिया में वो थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन कई बैंक्स का सही है, वो आप देख लो, आपको खुद की पर्सनल चॉइस है कि आपने कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाना है। बट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो कॉमनवेल्थ बैंक में ही अकाउंट खुलवाते हैं, तो तभी मैंने इसका बोला कि आप उसके अंदर नेट सेवर खोल सकते हो, ठीक है गाइज। तो आप जो बाकी के बचे आपके $750 या जो $700 आप जितने भी रखना चाहते हो उसके अंदर आप अपनी ग्रोसरीज बिल एक्सपेंसेस जितना है वो ट्राई करो कि उसके अंदर हो जाए, फालतू खर्चा मत करो गाइज। यहाँ पे बिल्कुल भी प्लानिंग से चलना पड़ेगा, बिना प्लानिंग के गाइज कुछ भी नहीं होगा। सो गाइज उसके बाद मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जॉब्स होती हैं, जब आप जैसे ऑस्ट्रेलिया आते हो ठीक है आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा जॉब्स में सेटल होने में, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि एक आपकी परमानेंट जॉब जरूर हो, ठीक है, एक परमानेंट जॉब हो, और साथ साथ आप उसके, अगर आपको कोई और जॉब नहीं करनी तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप फूड डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है गाइज।
सपोज करो आप अपनी परमानेंट जॉब से $150 कमा रहे हो, ठीक है, और ट्राई करो कि आप फूड डिलीवरी से एटलीस्ट हर रोज $50 कमा लो, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम सबके पास होता है गाइस कि एटलीस्ट वो $50 कमा ले फूड डिलीवरी से। सो गाइस अगर आप $50 हर रोज भी कमाते हो और 6 दिन भी काम करते हो, ठीक है, तो $300 हो गए, ठीक है, और 150 आपके आप परमानेंट जॉब से ले रहे हो। तो गाइस आप अगर ये दो चीज़ें अगर अपने दिमाग में रखोगे, ऐसे ही गाइस मैंने भी अपनी सेविंग्स करनी शुरू करी थी कि जो एक परमानेंट जो होनी चाहिए और दूसरा जो मैं फूड डिलीवरी से, क्योंकि जो फूड डिलीवरी थी वो मेरा सारा खर्चा निकाल देती थी, जो भी मेरे एक्सपेंसेस होते थे, रेंट हो गया और ग्रोसरीज होगी, क्योंकि गाइस $300 कभी कभी ज़्यादा भी बन जाते थे उसके अंदर, ठीक है, ऐसा तो है नहीं फिक्स $300 ही बनाने हैं, तो कभी कभी ज़्यादा भी बन जाते थे। तो गाइस ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ट्राई करें एक जॉब के साथ थोड़ी छोटी मोटी कोई डिलीवरी की जॉब ढूंढ लें, जिससे आपके जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं और जो वो आपके कवर हो जाएंगे, और जो बाकी की मनी है वो आप सेव कर सकते हो अपनी फ़ी के लिए, या कोई भी अगर आप चीज़ कोई कोर्स चेंज कराना या कुछ भी आप प्लान कर रहे हो ना, तो उसके लिए आप वो मनी सेव कर सकते हो। तो गाइज़ ये जो टिप थी ये मतलब मेरे को किसी ने दी नहीं थी, बट मैंने खुद ही अपने आप डेवलप करी थी, अब पता नहीं कैसे दिमाग में आई, बट गाइज़ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप इस चीज़ के अगर थ्रू चलोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर लोगे गाइज। सो गाइज जब आप एज अ स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया होते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आईडी मिलती है। तो गाइज आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आप ये स्टूडेंट आईडी दिखा के, बहुत जगह होती हैं गाइज, बहुत ज़्यादा जगह जहाँ पे आप कहीं दिखा के ऑफ भी ले सकते हो, जैसे कि बहुत सारे स्टोर्स हो सकते हैं। वैसे एक यूनिडेज नाम का ऐप है, आप उसके अंदर अपनी आईडी बना के लॉगिन करो, यूनी वाली आईडी डालनी होती है, एंड देन यू कैन एक्सेस जो भी डिफरेंट स्टोर हैं, जैसे कि JD है, फुटलॉकर है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं उसके ऊपर गाइज, उनसे आप नॉर्मली लगा लो 10-15% आपको ईजिली ऑफ मिल सकता है। और गाइज जो मेनली यहाँ पे पेट्रोल के प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि गाइज जब 2020 में मैं यहाँ पे था तो अराउंड 99 सेंट्स होता था, लेकिन अब मैंने कभी भी उसके बाद पेट्रोल नहीं देखा कभी भी अराउंड $1 से नीचे, तो मतलब $1.50 इतना तो रहता ही रहता है। तो गाइज मैं अपनी मनी कैसे सेव करता हूँ पेट्रोल को लेके, मैं गाइज मेरे पास एक तो पेट्रोल स्पाई ऐप है, ये जिसमें मैं पेट्रोल के प्राइजेस चेक कर लेता हूँ कि मेरे आसपास जो एरिया है उसके अंदर कितना प्राइस चल रहा है, या फिर गाइज मैं सेव करता हूँ जैसे मैंने 7-Eleven का ऐप, क्योंकि 7-Eleven हर जगह होता है, तो गाइज आप 7-Eleven का ऐप डाउनलोड करो जिससे आपको बहुत ज़्यादा पैसे सेव होते हैं। अब जैसे मैंने कहीं से 7-Eleven से सस्ता पेट्रोल डलवाया अराउंड 1.65 अनलीडेड, तो गाइज अब वही प्राइस 2 दिन बाद बढ़ गया, अराउंड $2 हो गया, तो गाइज बट मैंने उस प्राइस को ऑलरेडी लॉक कर रखा हुआ है, तो वो मेरे को काफ़ी पैसे बच जाते हैं, क्योंकि वही सेम प्राइस पे पेट्रोल डलेगा, आप बस आपको अपना ऐप खोल के उनको बार कोड स्कैन कराना है, दैट्स ऑल। सो गाइज ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हो, और करने भी चाहिए गाइज, क्योंकि जो यहाँ पे लाइफ है ना बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है गाइज। सो गाइज ये कुछ ऐसी टिप्स थी जिससे आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं, सेविंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ठीक है, कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास एटलीस्ट ये इतने पैसे होने चाहिए इमरजेंसी कोटे में कि आप यूज़ कर सको, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका था एक बारी कि कुछ बात हो गई थी, बट एट दैट पॉइंट नो वन वॉज देयर टू सपोर्ट मी, इवन मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मेरे लिए गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट क्या करें गाइस, लाइफ है, अप एंड डाउन तो आते हैं, बट नाउ गाइस एवरीथिंग इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आएंगी, बट हम जितना उनको सोल्व कर सके वो उतना अच्छा है, ठीक है गाइज, इट्स अ वेरी गुड जर्नी गाइज, ऑस्ट्रेलिया आओ आप, इन्जॉय करो लाइफ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है, सब है, करने वाला बंदा होना चाहिए बस, ठीक है गाइज। आप हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करें, चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहें, वीडियोज़ को शेयर करें, तो गाइज ऐसे ही मैं आपको और मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता रहूँगा, एंड गाइज आप जो भी ऑस्ट्रेलिया आ रहा है मोस्ट वेलकम आपका, आप आएँ एंड गाइज अपनी लाइफ बनाएं जैसे हमने बनाई है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।